क्या आप जब स्कूल जाते थे तो आपके जो स्कूल बैग होते थे उस पर WWE के आइकॉन्स या फिर नेम्स और बेंचेस पे ऐसे बनाते थे पेन से? क्योंकि मुझे तो याद है RKO, जेफ हार्डी का साइन, ट्रिपल एच का साइन, पता नहीं क्या क्या, और कॉपी के पीछे वाला पेज तो बुक रहता था भाई। तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं उतरी डीएक्स चेतन, एंड मंडे नाइट रॉ क्या जहर थी भाई। मतलब जहर इन द पॉजिटिव वे, बट किसी के लिए जहर जो है नेगेटिव वे में भी थी आज की रॉ। एज यूजुअल आर इंटरनेट फैंस। तो आई नो कि हम सब इंटरनेट यूज करते हैं, बट इंटरनेट फैंस कैटेगरी अलग होती है। आप इंटरनेट यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरनेट फैंस की कैटेगरी अलग होती है रेसलिंग के टर्म में, जो कि रोते हैं सिर्फ रोतड़ू की तरह। बट एनीवेज, सार्थक पाठक लिखते हैं कि रैंडी ओर्टन की मैचेस की क्वालिटी कैसी भी हो, उनकी राइवलरी में कंटेंट हमेशा जबरदस्त रहता है। फैक्ट्स। श्रेयस दियोल लिखते हैं कि ब्रो आपके क्या लगता है कि रैंडी ओर्टन और ब्रे इतने आग से खेलते हैं क्या, तो WWE इनमें इन्फर्नो मैच क्यों नहीं बुक करती। सी आज का जो सेगमेंट था ये आग वाला, ओह भाई साहब क्या ही स्पेशल सेगमेंट था। हाइड एंड सीक खेलने के लिए बुला दिया रैंडी ओर्टन ने। रैंडी ओर्टन ने कहा कि बड़ा ही गेम खेलने का शौक हो रहा है ना, ये गली गली सिम सिम चल रहा है, आ जा भाई ढूंढ के दिखा। एंड देन जो पूरा प्लान रचा, ब्रे वाइट को जलाया, एंड देन ब्रे वाइट का यू नो अल्ट्रा टिकटॉक लेवल ट्रांजिशन जब वो ब्रे वाइट से बन गए द फीड, ओ माय गॉड, ये सेगमेंट मजा आ गया देखकर। इससे पता चलता है कि यार ये दोनों ऐसे बंदे, इनको चैंपियनशिप की जरूरत नहीं है। मतलब मिल जाए तो अच्छी बात है, बट बिना चैंपियनशिप के भी ये बहुत बड़े मटेरियल है, और TLC लिटरली इसी हफ्ते है, तो बहुत अच्छा बिल्ड किया है। एंड यार TLC में मेरे हिसाब से इन्फर्नो मैच सूट नहीं करता, हाउएवर आई वुड बी एक्साइटेड टू सी इन्फर्नो मैच अगेन इन WWE। हालांकि लास्ट टाइम जो केन और ब्रे वाइट के बीच हुआ था वो ऐसा उतना खास नहीं रहा था, बट आई थिंक रैंडी ओर्टन और ब्रे वाइट के केस में होना चाहिए। वी नीड फायर, एंड कंसिडर करें कि किस तरह से WWE सिनेमैटिक मैचेस ला रही है, आई थिंक वो इन्फर्नो मैच जैसे कुछ आग से रिलेटेड मैच ला सकती है इस राइवलरी के लिए, एंड मजा आएगा देखने में। यार इन दोनों का कनेक्शन बहुत बढ़िया है। और अमन भाई यार कैरेक्टर चेंज कर लेते हैं, वो ब्रे वाइट है। ब्रे वाइट ने अपने करियर में इतने कैरेक्टर चेंज कर लिए कि उनको आदत पड़ चुकी है, तो अब मैं सरप्राइज ही नहीं होता। उल्टा मेरे को तो लगा कि यार ब्रे वाइट ने इतना टाइम क्यों लगा दिया, क्योंकि मेरे मन में तो यह था कि जैसे ही वो बंद हुआ तुरंत ब्रे वाइट को निकलना था फीड बन के। जेट ब्रांड्स लिखते हैं कि क्या AJ स्टाइल्स इस मैच में जीत सकते हैं, क्योंकि उनका बॉडीगार्ड कोई ना कोई रोल प्ले करेगा मैच की एंडिंग में। भैया मेरे को भी पता है, यही फील आ रही थी आज, मतलब जैसे मैं मैच देख रहा था AJ स्टाइल्स एंड शेमस का, एंड लास्ट में काफी अच्छा रोल प्ले किया था उन्होंने शेमस को पिटवाने में। ऑल्सो जब ड्रू मैकइंटायर के साथ सेगमेंट हुआ था तो उसी टाइम पर मेरे को फील आ गई थी कि यार AJ स्टाइल्स के साथ वो लंबू भी तो आएगा, और अगर लैडर टूट भी गए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो लंबू अपने हाथ पे AJ स्टाइल्स को उठा के बेल्ट उतरवा लेगा। प्रॉब्लम तो ड्रू मैकइंटायर के लिए ना। एंड मेरे को सही में नहीं पता था कि ड्रू मैकइंटायर और AJ स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया होगा कि इनकी राइवलरी में ऐसा मजा आएगा। आई एम ऑल हाइप्ड फॉर दिस मैच बिकॉज दोनों का साइज डिफरेंस है, दोनों का अलग अलग डिपार्टमेंट है, बट yeah, AJ Styles versus Drew McIntyre, tables, ladders, chairs, it is going to be fun. और बहुत अच्छा ट्रेलर तो उन्होंने आज के रॉ में दे ही दिया था। अमोघ अग्रवाल लिखते कि ब्रो कीथ ली इज गोइंग टू विन रॉयल रंबल 2021, मार्क माय वर्ड्स। भाई कितनों के वर्ड्स मार्क करूं, एक तो अभी वो स्लैमी वाला मार्क कर रखा, अब तुम कहते हो तो ठीक है तुम्हारा वाला भी मार्क कर लेता हूं। और अगर नहीं जीते तो क्या करोगे, डेयर तो बताओ, सिर्फ आधा अधूरा मत दो, पूरा डेयर दो कि अगर कीथ ली रॉयल रंबल नहीं जीत पाए तो कुछ मैं ऐसा करूंगा, समझ रहे हो। अजिंक्य पवार लिखते भाई कीथ ली के साथ मिजन मोर्जन ने कमाल करके दिखाया, ये कमाल पता है कई लोगों को पसंद आया, बिकॉज we all know कि Keith Lee is a star, obviously Keith Lee फ्यूचर में वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, बट ऑलरेडी इंटरनेट फैंस आर क्राइंग, अमेरिकन यूट्यूबर्स आर क्राइंग। एक तो यूट्यूबर है आपने कोई JD करके सुना होगा, मैंने उसको बहुत पहले ट्विटर पे ब्लॉक कर रखा था, लेकिन फिर भी लोग स्क्रीनशॉट डाल के लिख ही देते हैं। उसमें मैंने देखा कि बंदा रो रहा था क्योंकि कीथ ली को हरा दिया मिज एंड मॉर्सन ने। पहली बात तो 2-on-1 की स्टिपुलेशन थी, और दूसरी बात उसने लिखा था कि कीथ ली अब ब्यूरिड हो गया। पहली बात तो एक ऐसा बंदा जिसके मुंह से सिर्फ ब्यूरिड निकलता रहता है पूरे दिन WWE के केस में, उसे सही में अपने मॉम के बेसमेंट से बाहर निकलना चाहिए। और दूसरी बात यार उसके फैंस कैसे हैं यार, ब्रेन डेड है क्या बिल्कुल ही। बेसिकली कीथ ली को मिज ने पिन किया तो उसे गुस्सा आ गया है, और कीथ ली अब ब्यूरी भी हो जाएगा है ना, जैसे जॉन सीना हुए थे। हाँ हुए तो थे, क्योंकि एक बार जॉन सीना को पिन कर दिया था द मिज ने, और उसके बाद देखो जॉन सीना का करियर कहाँ चला। जॉन सीना ना तो फिर बाद में
चैंपियनशिप जीत पाए, न एजे स्टाइल्स के साथ लड़ पाए, न वो 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने, उन्हें हॉलीवुड में भी काम नहीं मिल रहा। बेचारे जॉन सिना का करियर ही खत्म हो गया मिस से हार के, तो इसीलिए अब कीथली भी हार चुके हैं, तब कीथली के साथ भी यही होगा। और क्योंकि इंटरनेट फैंस को चिंता है तो इसीलिए वो उनके लिए रोते हैं, तो समझा करो उनका दर्द। आज की रो अबव एवरेज थी, लेकिन ये बताओ 3D Exchange, रेसल चैटर एंड रेसल इंडिया, ये तीनों चैनल के अलावा कोई और भी इंडियन यूट्यूब रेसलिंग कम्युनिटी में अच्छा होगा तो मुझे सजेस्ट करो। योर वीडियोज आर लव। सी, मैंने कमेंट ले लिया, सजेशंस आ जाएंगे कमेंट में। एंड मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि देखो तुम्हें जो देखना है देखो, बट जैसे कि मैंने अभी बताया ना, वो जो रोते हैं लोग वैसे चैनल से दूर रहना, और वो ज्यादातर आपको इंग्लिश कैटेगरी में मिलेंगे, वो आपका लिटरली रेसलिंग से इंटरेस्ट जीरो कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। बढ़िया यूट्यूबर्स भी है, लाइक द ग्रेट वन हो गया, ऐसे यूट्यूबर्स देखो मजा आता है। ये जेडी पेडी मत देखने लग जाना। और ये वाला कमेंट मैंने फाइनल के लिए रखा है, बिकॉज एवरी फाइनल कमेंट शुड बी एपिक। ओके, विशाल लिखते कि अगर रोमन की शादी बेकी लिंच से हो जाए और सेथ से डिवोर्स कर ले, फिर क्या बेकी लिंच अपना बच्चा रोमन को देगी या सेथ रॉलिंस को? बिग फैन यार, वो पूरा डायलॉग लिखने के बाद बिग फैन लिखने की क्या जरूरत थी, अब मेरे को शर्म आ रही है। नहीं विशाल, ये क्या है, आजकल स्टार प्लस ज्यादा देखने लग गए हैं, एकता कपूर का कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस आ रहा है आपके ऊपर, क्यों चाहते हो तुम ऐसे डिवोर्स विवोर्स हो? अगर ये मजाक में लिखा है तो बहुत सही है, बट अगर सीरियसली लिखा है देन मैं चाहूंगा कि आप सही में स्टार प्लस के शोज देखना बंद करो। और अगर सही में पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कीथ ली के लिए एक रोने वाला इमोजी सेंड कर दो, बिकॉज हम सबको कीथ ली की परवाह, हम नहीं चाहते कि कीथ ली जॉन सीना जितने अनसक्सेसफुल बन जाए अपने लाइफ में।